हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड चैप्टर नंबर 9, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रेड अबाउट एक्सेलरेशन। व्हाट डज एक्सेलरेशन डू? इट चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी को चेंज करता है। तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी चेंज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, बट हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी। सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द कॉज की वेलोसिटी चेंज क्यों होती है, और क्यों चेंज होती है वेलोसिटी? बिकॉज वी अप्लाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स की डेफिनेशन की। सो द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, ऑल द पुश एंड पुल आर फोर्स। है ना, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है दैट यू हैव रेड इन द प्रीवियस क्लासेस एज वेल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहले होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट एंड द अदर वन इज कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब देयर इज नो contact between the object on which the force is being applied and the factor or the agency which is applying the force. बहुत simple example है इसका, पहला type है, सभी ने महसूस किया है, that is gravitational force. I am holding this chalk, I am leaving it, the chalk, is going down. क्यों नीचे जा रही है? क्योंकि earth की gravity उसको pull कर रही है। क्या earth और chalk के बीच में contact है? नहीं है। और के एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। यू ब्रिंग अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन नियर अ मैग्नेट, द आयरन विल गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। क्या कोई डायरेक्ट कांटेक्ट था? नहीं था, तो कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट। और के एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, so these are examples of non-contact forces. अब बात करते हैं contact forces की। contact force के example क्या है? tension, denoted by capital T. tension आपने अभी नहीं पढ़ा होगा। जब भी किसी चीज को pull करते हैं, stretch करते हैं, तो उसमें जो force आता है ना, वो होता है tension. suppose if I am hanging a stone या if I am hanging this chalk using a spring. So the force that is experienced by the string is called tension. ठीक है, और कौन सा contact force है? friction. friction सभी को पता है, force of friction always opposes the motion. अगर मैं इधर चल रहा हूं तो friction इधर लगेगा, अगर मैं इधर चल रहा हूं तो friction पीछे लगेगा. friction will never ever support motion, it will always oppose the motion. तो टेंशन है, फ्रिक्शन है, फिर आपका एक फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, आई एम अप्लाइंग माय वेट ऑन द अर्थ। अब क्या आपने पढ़ा है थर्ड लॉ? आपने पढ़ा होगा, क्योंकि पढ़ेंगे अपन आगे। थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स मैं धरती पर लगा रहा हूं, उतना ही फोर्स धरती भी मुझ पर लगा रही है, और इस डायरेक्शन लगा रही, अपवर्ड डायरेक्शन में। मेरा वेट कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। तो मेरा वेट तो वेट हो गया, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर और द अर्थ सरफेस ऑन माय बॉडी इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। सो इन क्लास 9 यू ओनली हैव टू स्टडी अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में वी विल रीड अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल ऑफ देम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नाउ वी विल रीड द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब फोर्स का सबको फॉर्मूला पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सिंपली यू कैन डिफाइन इट, फोर्स इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। नाउ यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एंड दिस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन. क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन. डिनोटेड बाय कैपिटल एन. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक हियर इज डिफाइन वन न्यूटन. अब देखो यहां पे फोर्स का फॉर्मूला क्या है. फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास अपन ने कितना ले लिया? 1 किलोग्राम. एक्सेलरेशन कितना ले लिया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, फिजिक्स में 1 को अपन क्या बोलते हैं? यूनिट. क्या बोलते हैं? यूनिट. ठीक है, तो इफ मास इज 1 kg एंड एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द आंसर? फाइनली kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन. तो आंसर क्या आएगा? 1 न्यूटन. तो हाउ कैन यू डिफाइन 1 न्यूटन? फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन 1 किलोग्राम या यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस यूनिट एक्सेलरेशन. या तो 1 बोल सकते हो या यूनिट बोलो. बात एक ही है, 1 थोड़ा अनस्टैंडर्डाइज लगता है एंड यूनिट लुक्स मोर स्टैंडर्डाइज. सो हाउ कैन यू डिफाइन 1 न्यूटन? व्हेन अ यूनिट मास गेट्स एक्सेलरेटेड बाय यूनिट एक्सेलरेशन या एक्सपीरियंसेस यूनिट एक्सेलरेशन, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज सेड टू बी 1 न्यूटन. जब 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है? 1 न्यूटन. तो यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. फोर्स कैन never be non-directional, it will have a particular direction, है ना? जैसे if I am throwing this chalk, either I'll throw it to the left or to the right or to the front or to the back or upward or downward, एक particular direction होगा और एक ही जगह chalk जाएगी. main चीज ये है, direction मतलब it is moving in one particular path. या तो इधर जाएगी, या वैसे तो मैं इधर फेंकूंगा तो उधर आके अपने आप ऐसे आ जाएगी, या फिर ऐसे zigzag चली जाएगी, है ना? मैट्रिक्स मूवी शूटिंग तो नहीं चल रही है, कैसे पूरे टेस्ट से घूमते हुए जाएगी. तो फोर्स हैज गॉट वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट आर गिवन इन द चैप्टर, दैट इज बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस.